एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होप यू आप लोग अच्छे होंगे एंड हेल्दी होंगे और सेफ भी होंगे। और अगर जरूरत नहीं है, हमें बाहर नहीं जाना है, सारे रूल फॉलो करने हैं, डबल मास्क लगा के जाना है, अगर हमें बाहर जाना हो तो सर्जिकल मास्क लगाना है एंड कॉटन मास्क उसके साथ भी लगाना है, टूटू मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़ में। मैं एक आज मेकअप लुक क्रिएट की हूँ, जो कि वन ब्रांड से, लैक्मी के प्रोडक्ट से मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। और आपको ये मेकअप लुक मेरा कैसा लगा है प्लीज़ बताना है आपको कमेंट्स में। एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले देखें। और बेल आइकन वो प्रेस करिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आना चाहिए सब्सक्राइब करने के बाद, उसको ऑल को ऑल के ऊपर क्लिक करना बहुत ज़रूरी है, कि नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सो मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है तो आगे जाके आप देख लीजिएगा, और फुल लुक देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर दीजिए, इंस्टाग्राम की आईडी ये है, तो एक बार फॉलो कर दीजिए मुझे, यहाँ पूरा फुल लुक देखने को मिल जाएगा आपको। यहाँ पे मैंने लैक्मे के टोनर शेयर यूज़ किया है फर्स्ट, जैसे कि पहले प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, क्योंकि सबसे पहले मेकअप में मैं टोनर यूज़ करती हूँ एंड देन अभी मैं यूज़ करूँगी लैक्मे सन एक्सपर्ट का सनस्क्रीन लोशन। एंड ये जो आपने देखा लैक्मे का जो पैनकेक, ये इसको कंसीलर या फाउंडेशन किसी भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं, ऑल इन वन है ये। इसको मैं दोनों ना अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के दोनों को मिक्स करके मैं ये अप्लाई करूँगी, क्योंकि सनस्क्रीन को सनस्क्रीन हो जाएगा, सन प्रोटेक्शन एंड आपका मेकअप भी हो जाएगा, ये फाउंडेशन कंसीलर साथ साथ वो भी दोनों हो जाएंगे। मैंने इसलिए दोनों को मिक्स करके लगाया, देखते हैं कैसा बनता मेकअप, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है मैंने इसको। किसी भी मेकअप लुक आप बोल सकते हैं, न्यू मैरिड हो या कुछ भी, ऐसे ही मेरा मन किया, मैंने थोड़ा स्टार्ट कर दिया, अभी मेरा लग गया है पूरा टोटल। अभी मैं मेकअप सेट करने के लिए लगाऊंगी ये वाला जो आपने देखा अभी, कॉम्पैक्ट लैक्मे का सन एक्सपर्ट, इसकी वीडियो में आपको ना आई बटन में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा, इसका प्रीवियस में एक वीडियो मेरा है, पूरा इसकी फुल डिटेल है। और इसका मेरा मेकअप ये सेट हो गया है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट डन, और नेक एरिया एंड पूरे फेस पे मैं इसको सेट कर लूँगी। एंड अभी मैं अपना आईब्रो थोड़ा सा एनहांस कर रही हूँ, ये ना वन ब्रांड मेकअप है, मैं पूरा लैक्मे के प्रोडक्ट के साथ मैंने किया। अभी मैं आई शैडो यूज़ करूँगी, वो भी लैक्मे का ये है, एंड इसका पहले मैं बेस बनाऊँगी थोड़ा सा इसमें, उसके बाद अपनी साड़ी के अकॉर्डिंगली मैं कलर चूज़ करके लगाऊँगी। थोड़ा सा कोई भी शेड लेके ना लगा सकते हो, लग गया है यहाँ पे मैंने अभी मरून और ब्लू कलर का साड़ी है, उस अकॉर्डिंगली मैंने अभी शेड लेके इसको अच्छे से मेकअप करूँगी। आपके प्रकार अगर कंसीलर नहीं तो कोई बात नहीं, उसमें एक लाइट कलर का कुछ जो कलर शेड होता है ना आई शेडो में, उसको आप लगा के आप जो भी कलर आपको लगाना है अपने साड़ी या ड्रेस के अकॉर्डिंगली आप वो लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं आपके पास कंसीलर होना ही चाहिए, तभी आपका आई मेकअप अच्छा लगेगा, वैसे भी आपका आई मेकअप बहुत अच्छा बन जाएगा। देखिए मैं इन्हें हाफ हाफ करके लगाऊंगी, दोनों कलर को मैं हाफ हाफ करके लगाऊंगी, एक रेड एंड थोड़ा सा ब्लू। जैसे दे मैंने जो आपको पहले लगाना होगा वो थोड़ा सा आप लगा लीजिएगा अच्छे से, एंड देन उसके बाद डार्क लगाना, जो भी डार्क कलर लगाना, डार्क कलर हमेशा आउटर लाइन में रखना, मतलब बाहर के साइड रखना, इनर के लिए थोड़ा सा लाइट वाला कलर करना, नहीं तो फिर दोनों थोड़ा सा अजीब लगेगा ना। सो अभी मेरा आई मेकअप हो गया है ऑलमोस्ट, अभी मैं थोड़ा सा उसी आई शैडो में, अगर आपके पास ब्लश नहीं है तो उसी के अकॉर्डिंगली, तो कलर के अकॉर्डिंगली हमेशा आप लगा लेना, या तो स्माइल करके या तो ऐसा करके आपको आई शैडो लगाना। अभी मैं यूज़ करूँगी आई मेकअप के लिए लैक्मे का एब्सोल्यूट का आई लाइनर, देन काजल एंड मस्कारा आपने देख लिया पहले, तो ये तीनों मैं लगाऊँगी। ये देखो मेरा ब्लश लग गया है, जो मैंने आई शैडो से ही लगाया, कोई ब्लश नहीं यूज़ किया मैंने, उसके उसमें आई लाइनर लगाऊँगी। हाँ, इसके ना मुझे कमेंट आया था कि आई लाइनर के लिए कोई वीडियो बनाऊँ, मैंने पहले बना हुआ है, फिर भी मैं कोशिश अभी कर रही हूँ कि नेक्स्ट कोई वीडियो मैं अभी बना चुकी हूँ, मूवी पब्लिश कर लूँगी पहले, सिर्फ मैं आई लाइनर का ही बना चुकी हूँ वीडियो। अभी मेरा आई लाइनर लग गया है, थोड़ा सा मैंने डार्क डार्क करके लगाया कि जो अच्छा लगे, देख लीजिए, हमेशा आई शैडो लगाने के बाद आप आई लाइनर लगाइएगा,
तो वो अच्छे से उभर के आएगा, अच्छा लगेगा। एंड अभी मैं लगाऊंगी मस्कारा, मस्कारा मेरा लग जाएगा। और नीचे लगाने के लिए ना, जैसे कि जैसे पेन और पेंसिल में ऐसा हम लिखते हैं ना, वैसे करके थोड़ा सा नीचे वाले हेयर्स में लगाएंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। अब ध्यान रखना थोड़ा सा इधर उधर लगे ना। अभी मेरा मस्कारा भी मैं थोड़े से अच्छे से सेट कर रही हूँ, देख रही हूँ क्योंकि मैं कोई आई लैसेस नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो मेरा जो खुद ही आई लैसेस मतलब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब मैं लगाती हूँ मस्कारा तब वो परफेक्ट लगता है। अभी मैं यूज़ करूँगी काजल। हमेशा की तरह मैंने बोला है, काजल लगाने से पहले अब थोड़ा सा पहले थोड़ा सा नीचे से उसको ड्राई करना आइज़ के अंडर, आई के नीचे। अब लगाने के बाद भी आप उसको थोड़ा सा टाल के हो या कॉम्पैक्ट के, जो उसका क्या होता है वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी है लगाने जो अप्लायर होता है, अप्लायर से थोड़ा सा इसको टच कर लीजिएगा तो वो फैलेगा नहीं। गड्ढे के मेकअप के लिए आप कोई वाटरप्रूफ आईलाइनर आपके पास हो तो थोड़ा काजल के ऊपर से लगा लीजिएगा, बहुत अच्छा बनेगा। इसका भी वीडियो मेरे पास है, देखिए थोड़ा सा उसको हल्का से टच करना है, कॉम्पैक्ट हो कोई लूज़ पाउडर हो इसको अच्छे से नीचे से थोड़ा सा टच कर देंगे तो वो अच्छे से फैलेगा नहीं। अभी मैं यूज़ करूँगी लैक्मी 925 का ये लिपस्टिक। ये बहुत ही अच्छा शेड है, ये ना मजेंडा है ना रेड है, इसका कुछ बहुत ही अच्छा शेड है आपका, देख लीजिए इसका जो शेड है यहाँ पर मैं मेंशन करूँगी सिर्फ एक सेकेंड। हाँ, इसका जो है MR20 है, रवि रश्मि कहीं पे भी मिल जाएगा आपको, लोकल मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। अभी तो कहीं नहीं मिलेगा आपको, ऑनलाइन ऑर्डर करनी पड़ेगी, पता नहीं मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। और हमेशा लिपस्टिक लगाने से पहले आपको लिप बाम लगाना पड़ेगा। अभी मैंने लिप बाम लगा लिया, अभी मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। ये बहुत ही अच्छा मतलब एक बार में ना एक कोट में तो बहुत अच्छा लग जाता है आपको, अगर थोड़ा डार्क डार्क कराना है थोड़ा सा और टचअप कर लेना, बट एक ही बार में ना ये बहुत अच्छा लग जाता है। इसको पहले क्या करना, कहीं और इधर उधर ट्रांसफ़र ना है, थोड़ा टिश्यू लेके थोड़ा सा टच करा लेना और ऊपर से कॉम्पैक्ट लगा लेना। इसकी भी वीडियो मेरे प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हो, इसके भी है कि कैसे हाउ टू अप्लाई योर लिपस्टिक परफेक्टली। सो देखिए ये मेरा लिपस्टिक लग गया ऑलमोस्ट। अभी मैंने सिंदूर लगा लिया, बिंदी लगा लिया, हमेशा सिंदूर ऑफ कैमरा में लगाना चाहिए। अभी मैंने झुमका, मुझे यही वाला अच्छा लगा तो मैंने ये वाला पहन लिया। आप बताओ कैसा लग रहा है, मेकअप हो गया कंप्लीट। अब अभी देख लीजिएगा आगे जाके कि मैंने पूरा फुल लुक दिख जाएगा आपको। सेफ रहिए, घर पे रहिए, अच्छा खाइए, खुश रहिए और ज़्यादा इधर उधर का बातें मत सोचिए। जितना हम सोचेंगे कोरोना के बारे में उतना हमें ये इफ़ेक्ट करेगा, मतलब हमारे दिमाग में यही चीज़ें मतलब रहेगा। तो अच्छे से रहिए, खुश रहिए, अपने फैमिली के साथ रहिए, अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। सो डन, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।